इसराइल और हमास के युद्ध का जो कवरेज हम आज नेशनल मीडिया में देख रहे हैं उसको लेकर दो तीन चीजें उल्लेखनीय हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज सुबह कुछ ऐसी तस्वीरें मैंने देखे एक मेन स्ट्रीम मीडिया में और वो देख के मैं काफी चौंक गई और मैं काफी डिस्टर्ब हुई। ये तस्वीरें हैं कुछ बच्चों के, इनफैक्ट बच्चों के डेड बॉडीज के, और कुछ तो फेसेस ब्लर थे लेकिन ज़्यादातर ये एक्सपोज्ड डेड बॉडीज थे। और उसमें हेडलाइन ये चला रहे थे कि बेबीज वे बुचर्ड बाय हमास, मतलब ये कि आपको दिखाना है किस निर्ममता से हमास ने बच्चों का हत्या की, इन्फेंट्स जो है उनकी भी हत्या की। इसको दिखाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं ये देखिए कि आपने कोई इसमें जो कहते हैं रिस्ट्रेंड, कोई लिहाज आपने नहीं रखा, टेलीविजन ग्रामर की, टेलीविजन एडिटोरियल डिस्क्रेशन कुछ आपने नहीं दिखाई इसमें, और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके दर्शकों में, कुछ बुजुर्ग हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं। अगर ऐसे इमेजेस लोगों के ड्राइंग रूम में खुलेआम एक्सपोज होते हैं तो कोई भी आते जाते ये इमेजेस देख सकते हैं और देख के उनको तकलीफ हो सकता है। और ये मैं कोई मामूली चीज नहीं है, इस तरह की इमेजेस का जो इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप इमोशनली वल्नरेबल है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है आप शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस तरह के इमेजेस खुलेआम लोगों के ड्राइंग रूम में पहुंचना, लोगों के लिविंग रूम्स में ये सारी तस्वीरें दिखाना बिल्कुल भी नियम के खिलाफ है, टेलीविजन रूल्स के खिलाफ है। और मुझे जितना तक पता है, जहां तक मुझे आइडिया है, ये एडिटोरियली भी कभी भी अलाउड नहीं था जब मैंने दो दशक तक टेलीविजन में काम किया, और कभी भी अलाउड नहीं था कि इस तरह की डिस्टर्बिंग इमेजेस विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी डिस्क्रिशन, विदाउट एनी डिस्क्लेमर आप ऐसी तस्वीरें लोगों को दिखाएं। ये सिर्फ एक ही बात को साबित करता है कि आप के मन में दर्शकों की संवेदनशीलता की तरफ कोई आदर नहीं है। यू डू नॉट रिस्पेक्ट द सेंसिबिलिटी ऑफ द व्यूअर। आपको कोई परवाह नहीं है कि इससे किसी को मानसिक रूप से कुछ चोट लग सकता है, कोई आहट हो सकते हैं, मेंटली इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, और उसका बुरा असर उनके सेहत पे भी पड़ सकता है। तो दिस काइंड ऑफ इनसेंसिटिविटी जो मैं देख रही हूँ, इससे मैं काफी डिस्टर्ब हुई। दूसरी बात ये कि अगर आप भारतीय पत्रकारों का कवरेज देखें इसराइल में, मेन स्ट्रीम मीडिया के काफी पत्रकार इसराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज्यादातर इसराइल में है, कुछ गाजा बॉर्डर में है, कुछ जॉर्डन बॉर्डर में है, लेकिन इसराइल के टेरिटरी में ही ज्यादातर पत्रकार पहुंचे हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली नजरिए से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मतलब एक तरफा रिपोर्टिंग हो रहा है कि हमास को खत्म करने के लिए इसराइल के किस तरह के एफर्ट्स अभी चल रहे हैं, लार्जली पूरा रिपोर्टिंग उसी पर है। तो एक तरफा रिपोर्टिंग ये कभी भी जर्नलिज्म नहीं हो सकता है। अगर आप वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हो तो दर्शकों को ये भी जानना है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लेकिन उसका कोई जायजा, उसका कोई रिपोर्टिंग आपको दिखेगा नहीं। इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगी कि टेलीविजन का एक कंपल्शन है। मैंने खुद, जैसे मैंने कहा, न्यूज एडिटर के रोल में टेलीविजन में काम किया है, तो मुझे खुद ये था कि हम लोग कंपेलिंग विजुअल्स दिखाएं जिसमें साउंड एंड फ्यूरी हो, जिसमें एक्शन हो। तो ये टेलीविजन के लिए एक, यू नो, इट्स लाइक अ ग्रेट ट्रीट यू कैन से फॉर टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एंड एडिटर्स कि इस तरह के विजुअल हमें मिल जाए तो बात बन जाएगा। और मैं समझ सकती हूँ उनका एक्साइटमेंट कि आपको बने बनाए ऐसे विजुअल्स मिल रहे हैं, ग्राउंड एक्शन मिल रहा है, तो आप इसको पूरी तरह से कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो दिन रात आप उसी इमेजेस को दिखा के लोगों को एक तरह से यू वांट टू ग्रैब द व्यूअर। तो वो मैं मानसिकता समझ सकती हूँ, मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ। लेकिन क्या इसमें कुछ भी एडिटोरियल डिस्क्रिप्शन, कुछ भी टेलीविजन ग्रामर आप फॉलो नहीं करोगे? क्या आप सारा दरकिनार कर दोगे? पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, फीडिंग फ्रेंजी हो गया है इस तरह के विजुअल्स जो हम देख रहे हैं आज टेलीविजन स्क्रीन्स पर। एक तरफा रिपोर्टिंग तो है ही, साथ ही मैं ये कहूंगी कि एक इसराइल को सपोर्ट करने की जिस तरह का एक होड़ लगा है, ऐसा फील होता है कई बार मुझे देख के जैसे भारत ही युद्ध में शामिल है, और इसराइल नहीं, भारत
के खिलाफ हमास का अटैक हुआ है, तो जिस तरह की उत्तेजना से, जिस तरह के एंथुजियाज्म से रिपोर्टिंग हो रहा है, जो तेवर है, ऐसा ही फील हो रहा है जैसे अटैक इसराइल पे नहीं, हम इंडिया पे हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया हुआ है, तो भारत का पोजीशन बहुत क्लियर है कि हम इसराइल की तरफ है, और इसराइल को वैसे पश्चिमी देशों से भी बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। एंटनी ब्लिंकन वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ तब तक खड़े हैं जब तक ये युद्ध चल रहा है, तो इसराइल के पास तो बहुत सपोर्ट है ही, और इंडियन मीडिया भी पूरी तरह से उन्हीं के सपोर्ट में लगे हैं। गाजा की तरफ की कहानी अगर आपको जानना हो तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जाना पड़ेगा। एक अंश मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी आज जो मैंने पढ़ा। ये एक शख्स है सुजैन बर्जाक, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है गाजा में, अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में वो मैथ्स पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, और उनका कहना है जो मैं पढ़ के आपको सुनाने जा रही हूँ। वी हैड इनफ फूड एंड वाटर एंड पावर फॉर द फर्स्ट टू डेज, बट आवर बिगेस्ट चैलेंज वाज डीलिंग विद आवर ट्रॉमेटाइज्ड चिल्ड्रन। पहले दो दिन के लिए हमारे पास बिजली, पानी और खाना था, लेकिन बाद में हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती बना बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। दे वर कॉन्स्टेंटली क्राइंग, रिफ्यूजिंग टू ईट, आस्किंग अस डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाइक व्हाई वेर वी बॉर्न हियर, व्हाई कांट वी लिव अब्रॉड। बच्चे लगातार रो रहे थे, वो खाने से मना कर रहे थे, और बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि हम यहाँ पैदा ही क्यों हुए, हम विदेश में क्यों नहीं रह सकते। व्हाई डज द इजरायली आर्मी वॉन्ट टू किल अस, आर वी गोइंग टू डाई टू नाइट। इजरायली आर्मी हमें क्यों मारना चाहते हैं, क्या आज रात ही हम मरने वाले हैं। वट शुड आई डू इफ आई एम स्टक अंडर द रबल, किसी बिल्डिंग के नीचे अगर मैं दब गया तो मैं क्या करूंगा। इज समवन गोइंग टू फाइंड मी बिफोर आई डाई, मेरे मरने से पहले क्या कोई मुझे वहां से निकालेंगे। ये बच्चों के मन में सवाल है। इफ समथिंग हैपन्स टू यू एंड डैड, वेयर विल आई लिव। तो माँ को पूछ रहे हैं कि अगर आप और मेरे पिता को कुछ हो गया और आप जिंदा नहीं बचे तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगी। इस तरह के सवाल बच्चे पूछ रहे हैं माँ बाप से। ये सारे लोग जो है वो एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर में इस वक्त है। इनका जो जायजा है, इसमें से ये पता लगा है कि चार ऐसे फैमिलीज हैं जो एक बिल्डिंग में अभी फिलहाल शेल्टर लिए हुए हैं गाजा में। तो ये एक मैंने बस छोटा सा एक अंश पढ़ के सुनाया कि वहाँ के लोग किस तरह का नाइटमेयर जी रहे हैं। और बहुत दुखद की बात यह है कि एक तरफा जो रिपोर्टिंग हो रहा है उससे बिल्कुल इसका अंदाजा हमें नहीं मिल रहा है। बहुत ही कम पब्लिकेशन से ये सब खबरें हमारे पास आ रहे हैं।